नागपूर शहराचे रस्ते उद्याने यापुढे चौफेर विकास व्हावा, त्यात शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचाही समावेश असावा म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दूरदृष्टिकोनात्मक विकासाच्या संकल्पनेला जोड देत शैक्षणिक क्षेत्रातील विकासाच्या दृष्टीने मनपाद्वारे महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने अत्याधुनिक ई लायब्ररी साकार करण्यात आली आहे. गीतांजली चौक गांधीबाग येथे नागपूर महानगरपालिकेद्वारे सुसज्ज अत्याधुनिक अद्यावत ई लायब्ररी तयार करून येथील विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची स्पर्धेची गोडी लागावी ही संकल्पना आहे. ई लायब्ररीला माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा लाभ घेता यावा आणि भविष्यात भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे प्रज्ञावंत विद्यार्थी या लायब्ररीतून घडावे या उद्देशाने या ई लायब्ररीची संकल्पना पुढे आली व ती साकारण्यात आली अशी माहिती महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नागपुर महानगरपालिका के माध्यम से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इनके स्मृति में इस ई लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है. यहाँ महानगर पालिका की पुरातन स्कूल थी जो बंद होने के बाद इस वास्तु का उपयोग शिक्षा के विकास के दृष्टि से ई लाइब्रेरी के रूप में किया गया है. यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में एक 75 लोगों के बैठने का ऑडिटोरियम होगा, जिस ऑडिटोरियम के माध्यम से यहाँ वर्कशॉप, सिंपोजियम और गेस्ट लेक्चर के माध्यम से लोग अपनी शिक्षण को आगे और उन्नत कर सकेंगे, इस प्रकार का नियोजन है. फर्स्ट फ्लोर में सारी बुक्स रहेंगी और ये बुक्स जो रहेगी RFID कोड से संलग्न रहेगी, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति यहीं बैठकर के पुस्तक पढ़ सकेगा और अगर उस पुस्तक बाहर ले जाना है तो ऑफिशियल वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के ही पुस्तक ले जा सकेगा. यहाँ किसी प्रकार की चोरी चकारी या किताब के पन्ने फाड़ने वाली हरकत नहीं हो सकेगी, इस प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ लगाए गए हैं. इसी के साथ साथ इस लाइब्रेरी में एक बुक स्कैनर लगा होगा, जहाँ आकर के आप संपूर्ण बुक का स्कैन करके उसका PDF बना करके अपने साथ लेकर के जा सकेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था भी इस लाइब्रेरी के माध्यम से की गई है. इस लाइब्रेरी के पहली में दूसरी मंजिल में ही दिव्यांग बंधुओं के पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है. साथ ही साथ में जो दृष्टिहीन दिव्यांग हैं उन दृष्टिहीन दिव्यांगों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि के कंप्यूटर की और ब्रेल लिपि के प्रिंटर की व्यवस्था की गई है. साथ ही साथ में जो पार्शियली जिनको कम दिखाई देता है ऐसे लोगों के लिए भी टॉकिंग कंप्यूटर की व्यवस्था पर की गई है, जिसे टॉकिंग वीडियो के माध्यम से वो उसका अपना अध्ययन कर सके, इस प्रकार का नियोजन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए किया गया है. सेंट्रल इंडिया में पहले बार किसी प्रकार से किसी ई लाइब्रेरी में दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए विशेषता से और दिव्यांगों के लिए विशेषता से कक्ष उपलब्ध कराने का नियोजन इस लाइब्रेरी में हुआ है. इसी सेकंड फ्लोर में ही यहाँ एक लॉकर रूम रहेगा, जहाँ देहात से आने वाला व्यक्ति या इस शहर में बाहर से आने वाला व्यक्ति अपना सामान लॉकर रूम में रख करके ई लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकेगा. सेकंड फ्लोर में बच्चों के पढ़ने के लिए एक रीडिंग रूम रहेगा, जहाँ एक साथ बैठ करके बच्चे बुक्स को पढ़ सकेंगे. जो थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर डेडिकेटेड कंप्यूटर के लिए रहेगा, जहाँ डेडिकेटेड बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 22 कंप्यूटर का एक कैबिन होगा. दूसरा 22 कंप्यूटर का कैबिन जो होगा यह बेटियों के लिए होगा, और 22 कंप्यूटर का कैबिन जो होगा यहाँ बेटे और बेटी दोनों एक साथ बैठ करके पढ़ सकेंगे. इस प्रकार से 66 कंप्यूटर की व्यवस्था ऊपर के तीसरे फ्लोर में की गई है. ये जितने कंप्यूटर हो गए सारे के सारे कंप्यूटर हाई स्पीड इंटरनेट से अटैच हो गए. यहाँ पर इंटरनेट के 2 कनेक्शन लिए गए हैं, जिससे स्पीड में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए. एक अगर वर्क नहीं करता है तो दूसरा तुरंत लगा करके यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुविधा दी जाएगी, इस प्रकार का नियोजन किया गया है. इस संपूर्ण परिसर में 20 CCTV कैमरे लगे हैं, जिससे यहाँ किसी प्रकार की गलत गतिविधि ना हो उस पर ध्यान रखा जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके, इस प्रकार का नियोजन किया गया है. साथ ही साथ में यहाँ जितने कंप्यूटर हो गए उसमें एक सॉफ्टवेयर होगा, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्व में जो भी नए अनुसंधान हो रहे हैं उन अनुसंधानों को विश्व के अलग अलग भाषा में भी अनुसंधान होते हैं, इसलिए उनकी भाषा में किए गए अनुसंधान को हम हमारी भाषा में सुन सके और उसका प्रिंटआउट निकाल सके, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर होगा. यहाँ पर IIT खड़गपुर ने जो सॉफ्टवेयर ई लाइब्रेरी के लिए तैयार किया गया वो सारा का सारा यहाँ पर सारे कंप्यूटर में यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके कारण वो सारे ई लाइब्रेरी जो सेंट्रलाइज ई लाइब्रेरी इंडिया की IIT खड़गपुर की है उसके द्वारा प्रदत्त की गई सारी ई बुक्स इस लाइब्रेरी के माध्यम से हम बच्चों के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएंगे. यहाँ विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगने वाली पुस्तकों के बारे में जानकारी होगी. सारे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, प्रोफेशनल कोर्स के जितने भी किताबें हैं वे सारी यहाँ ई बुक के रूप में यहाँ पर उपलब्ध रहेगी. जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए MPSC UPSC की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए जो मिलिट्री में
कोर्स करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सारे लोगों की ई बुक यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, इस प्रकार का यहाँ पर नियोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पढ़ने वाला बच्चा 24 आवर, ये लाइब्रेरी होने के कारण यहाँ ऊपर चौथे फ्लोर के ऊपर में कैफेटेरिया का नियोजन किया गया है, जहाँ पर नाश्ते की, चाय की, कॉफ़ी की व्यवस्था रहेगी। इसी के साथ साथ सेकंड फ्लोर में और थर्ड फ्लोर में जहाँ बच्चा या तो रीडिंग कर रहा होगा या तो कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा होगा, वो लगातार घंटा दो घंटा पढ़ने के बाद बेझिल हो जाता है, इसलिए उसने बेझिल नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से बाहर एक ओपन गैलरी की व्यवस्था की गई है, जहाँ ओपन गैलरी में 4 टेबल रखे होंगे, 4 टेबल में एक टेबल पर 4 लोग बैठ सकेंगे, अर्थात एक फ्लोर में 16 लोग एक साथ बैठ करके ग्रुप डिस्कशन कर सकेंगे और दूसरे फ्लोर में 16, इस प्रकार से 32 लोग ग्रुप डिस्कशन भी कर सकेंगे, इस प्रकार का नियोजन भी किया गया है। सेंट्रल इंडिया में इस प्रकार की यह पहली लाइब्रेरी है जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कारण अटल जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और माननीय नितिन जी गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, जो नित्य नई योजनाओं को अपनी संकल्पना के आधार पर साकार करते हैं, उनके हाथ से ही इस अभिनव लाइब्रेरी का लोकार्पण 3 तारीख की शाम को 7:30 बजे किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नागपुर शहर में पढ़ने वाले जितने नौजवान बच्चे हैं वो ज़रूर उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उस कार्यक्रम में लाभ ले और यहाँ उत्पन्न होने वाली सारी सुविधाओं का बड़े प्रमाण में वे लाभ ले सके, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसका संचालन करने के लिए नागपुर महानगर पालिका एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेगी। 3 तारीख को उद्घाटन होने के बाद आने वाली 15 तारीख से इसका संचालन होना चाहिए, इस प्रकार का नियोजन किया गया है। और महानगर पालिका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेगी उसमें जो एजेंसी नियुक्त होगी वो महानगर पालिका द्वारा निर्धारित दरों के ऊपर में इस ई लाइब्रेरी का संचालन करेगी, ऐसा इसके पीछे का नियोजन है।